बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इया कराबदो व इया करस्ताई। मैं 8 फरवरी को स्पेशली अपनी माओं बहनों बेटियों से इस वक्त मुखातिब हूँ जो कि डेरा गाजी खान की रहने वाली हैं। आप सबको पता है मेरे स्ट्रगल का कि मैंने शदीद टेंशन में, दबाव में, और जिस तरीके से दहशतगर्दी मेरे साथ की गई, जिस तरीके से बर्बरियत मेरे साथ की गई, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। आपको पता है कि मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। मैंने आपका और डेरा गाजी खान का और माओं बहनों बेटियों का नाम सर फखर से बुलंद किया है मैंने। आज मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है, आजमाइश का वक्त है। मैंने इमरान खान से वफादारी की है। ये जो डेरा गाजी खान के सरदार हैं, जो स्टेटस को वाले हैं, इनकी कोशिश है कि जिस तरह मैंने यहाँ से सरदारी राज, गुंडा राज खत्म किया है, ये वापस आ जाए। और जिस तरह माओ बहनों बेटियों को पाकिस्तान की सड़कों पर नून लीग ने, तीर के निशान वालों ने, पीडीएम वालों ने जिस तरह खवातीन को घसीटा है, जिस तरह उनकी बेहुरमती की गई है, ये आप उस सब की गवाह हैं उसकी। खवातीन आज पाकिस्तान की तारीख में इतनी खवातीन कभी भी जेलों में नहीं थी जो आज हैं, जो पीटीआई की हैं। खवातीन के सर से चादरें उतारी गई, उनके ऊपर एफआईआर की गई, गमरों में घुस के पर्दादार खवातीन को जो है वो बेहुरमती की गई। मैं स्पेशली इसलिए डेरा गाजी खान की माओ बहनों बेटियों से इस वक्त मुखातिब हूं वोट के लिए कि आपने वोट डालते हुए जरूर ये सोचना है कि डेरा गाजी खान की माओ बहनों बेटियों को वो नुमाइंदा चाहिए, वो सरदार चाहिए, चाहे वो पीएमएलएन की टिकट पे लड़ रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की टिकट पे लड़ रहा है, चाहे वो उनके हिमायत याफ्ता किसी कैंडिडेट की टिकट पे लड़ रहा है, जो उनके सर से चादर उतारे, उनको जलील और रुस्वा करे, उनके माँ बाप के जरिए उनको ब्लैकमेल करे, एफआईआर करे अगर वो वोट ना डाले, या आपको जरताज गुल चाहिए जो कि इमरान खान के टाइगर से जो आपकी तरह की है, जो आपकी बात सुनती है, जो आपके हक की बात करती है, आपकी इज्जत का ख्याल रखती है। जैसे धीरानी का मुझे खिताब दिया है, आप भी उसी तरह धीरानी है डेरा गाजी खान की। 8 फरवरी को एक वोट भी इन सरदारों के पलड़े में ना जाए, एक वोट भी डेरा गाजी खान का किसी और के पलड़े में ना जाए। आपका सारा पलड़ा इस बेटी बहन बेटी जरताज गुल के पलड़े माना चाहिए। इन्होंने कोशिश की कि मुझे कोर्टो में घसीटे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी और गद्दारी के एफआईआर कराने के बाद इन्होंने गाय चोरी के पर्चे तक सरदारों ने मेरे ऊपर करा दिए। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिलो मंतशाओ। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, पिछली दफा भी ऐसे हुआ था, इस दफा भी ऐसे हुआ है कि अहले बैत ने स्पेशली बीबी फातिमा तुज़्ज़ारा के सदके ये मुझे इमाम ज़ामिन पहनाए कि अल्लाह ताला उस बीबी पाक दामन और जो कि जन्नत की औरतों के सरदार हैं कि जब वो तशरीफ लाते थे उनकी इतनी इज्जत और मकाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन है, वो उनके जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी इज्जत थी तकरीम है, उनके लिए कयाम करके खड़े होकर उनको अपनी चादर मुबारक पेश किया करते थे। उनके सदके का मुझे इमाम ज़ामिन बांधा गया ताकि मेरी इज्जत भी हो, मेरा वकार भी बुलंद हो और मैं N-150 से जीत सकूं। मेरी माओ बहनों बेटियों डेरा गाजी खान के, आपने मेरी लाज रखनी है, मैं अकेले लड़ रही हूँ, आपने मेरी लाज रखनी है, आपने सारा वोट मुझे N-150 बेंच के निशान के ऊपर देना है। मेरी हरे रंग की ग्रीन कलर की पर्ची है वोट की, आपने बेंच के ऊपर ठप्पा लगाना है और आपने अपनी इस बहन बेटी को इज्जत देनी है, मुझे जितवाना है और सरदारों को आपने दिखाना है कि डेरा गाजी खान की माएं बहनें बेटियां इज्जत रखने वाली जरताज गुल के साथ खड़ी। मैं आपका 8 फरवरी को इंतजार करूंगी। आपका वोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आना चाहिए क्योंकि मैं आपके वोट की और आपकी इज्जत की मुहाफिज हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वोट N-185 जरताज गुल का, बेंच का, इमरान खान को जीत के ये सीट देंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आपका इंतजार करूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।